YouTube चैनल की ओर से सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तत्व पढ़ेंगे, हमने 9th कक्षा में पढ़ा था। तत्व क्या होते हैं, पदार्थ का क्या होता है शुद्धतम रूप, क्या होता है शुद्धतम रूप, जिसको न तो भौतिक या रासायनिक परक्रम के द्वारा बनाया जा सकता न तोड़ा जा सकता। प्योरेस्ट फॉर्म है ये किसकी, मैटर की। मैटर की क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से न तो बनाया जा सकता न तोड़ा जा सकता। तो इसी प्रकार यौगिक दो तत्वों के मिलाने से बनते हैं। तो ये हमने सारा 9th क्लास में पढ़ा था। और अब पढ़ेंगे तत्वों का हमें आवृत, जैसे किसी भी जीव जंतु को उसके गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में या उसका अलग अलग विभाजन किया जाता है, इसी प्रकार जैसे हम एक शॉपकीपर या कोई दुकानदार दुकान में साबुनों को एक जगह लगाता है और बिस्किट के पैकेट को अलग अलग जगह पे लगाता है, साबुन में भी कपड़े धोने के साबुन अलग रखे जाते हैं और नहाने के साबुन अलग जगह रखे जाते हैं, इसी प्रकार तत्वों में जिनके गुण धर्म फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको एक जगह लगाया जाता है और जिनके अलग अलग गुण हैं उनको अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। धीरे धीरे आज के टाइम में जो एलिमेंट हैं वो 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118। धीरे धीरे इनकी डिस्कवरी बढ़ती गई, खोज बढ़ती गई और हमें तत्वों के बारे में जानकारी मिलती रही। तो इस सबसे पहले तत्वों को किस में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल में। जैसे जैसे धातु और अधातु में बांटा गया तो हमारे ज्ञान में अधिक वृद्धि होती रही, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती गई। अब हम अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ेंगे भी किस वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया। सबसे पहले पढ़ेंगे डॉब्राइनर का त्रिक नियम। किसका, डॉब्राइनर का त्रिक रूल। डॉब्राइनर के त्रिक का नियम क्या कहता है, इस वैज्ञानिक का नाम था वुलफांग, क्या नाम था वुलफांग डॉबर्नियर। डॉब्राइनर ने 1817 में एक नियम दिया जिसको क्या बोलते हैं त्रिक। त्रिक मैंने क्या होता है, तीन तत्वों का एक क्या बनाया, त्रिक बनाया। इसने कहा जब हम तत्वों को उनके बढ़ते या जिसको हम बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते परमाणु क्रमांक में लिखे, परमाणु क्रमांक, जब हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक, दोबारा देखो सॉरी, जब हम तत्वों को उनके बढ़ते आरोही यानी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लिखे यानी मास नंबर द्रव्यमान में लिखें, तो जो बीच वाला तत्व है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान उन दोनों का क्या आएगा, उन दोनों का औसत आएगा, क्या आएगा औसत होगा। डॉब्राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है, जब हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लिखें, तीन तत्वों को जब बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लिखें तो बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान उन दोनों के क्या आएगा, औसत आएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे और दो से हम भाग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करें, तीन तत्व कौन से बनाए, लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटासियम, इसको बोलते हैं लिथियम, इसको सोडियम, इसको पोटेशियम। यदि हम इनके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, मास नंबर की, इसका 6.9 और इसका होता है
23 और इसका होता है 39 point something। इसको हम साथ लिख सकते हैं, इसका दिया है 23 और इसका 39। जब पहली डेफिनेशन है जो, जब हम तत्वों को उनके बढ़ते देख, बढ़ रहा ना, 7 है फिर 23 है फिर 39 है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लिखें तो उनका जो औसत होगा बीच वाले तत्वों का क्या होगा, औसत दोनों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, औसत होगा। जैसे अब हम 39 और 7 को क्या करेंगे, ऐड और 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 46/2, तो कितना निकल के आ गया 23, जो कि किसका होता है, सोडियम का। दोबारा देखो, जब हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लिखें, जो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है उन दोनों का क्या आएगा, औसत होगा, उन दोनों का क्या होगा, औसत होगा। जैसे 39 और 7 का औसत कितना आएगा, 23 आएगा। तो ये किसका नियम था, वुल्फांग डाबरनियर ने ये अपना क्या दिया था, त्रिक का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, त्रिक का नियम। डाबरनियर के त्रिक के जो नियम था, इसकी कमियां क्या है, क्या थी, ऐसा माना जाता जब इसने अपना कार्य शुरू करना प्रारंभ किया या आरंभ किया, उस समय केवल 30 तत्वों का ज्ञान था। कितने तत्व थे, 30 तत्व, लेकिन ये केवल तीन के ही क्या बना इसका त्रिक, यानी तीन के त्रिक, एक में तीन आते हैं, तीन में कितने, 9, तो केवल 9 ही तत्वों का ये क्या बना इसका त्रिक। शेष 21 तत्वों पे ये इसका जो रूल था, इसका नियम था, वो कारगर नहीं बैठता था, इसलिए डाबरनियर के जो त्रिक नियम की पद्धति थी वो ज़्यादा कारगर नहीं रही। अब इसके बाद आएगा, कौन आएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। कौन आएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब शुरू करेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। उसने कब कार्य शुरू किया था, 1817 में, लगभग 50 साल बाद, यानी 49 ईयर बाद, 1866 में। कौन वैज्ञानिक आए, जॉन न्यूलैंड्स। कौन आए, जॉन न्यूलैंड्स ने भी वही तरीका अपनाया। अब इसके अंदर क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अष्टक मैंने क्या होता है, 8, यानी 8। जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रखा गया, लिखा गया, तो इसने अपना कार्य आरंभ यानी के शुरू किया 1866 में, और 50 साल तक कौन सी थ्योरी चलती रही, डाबरनियर के त्रिक रूल ही चलते रहे। तो 50 साल बाद कौन आया, जॉन न्यूलैंड्स ने अपना सिद्धांत दिया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में अरेंज किया जाता है या लिखा जाता है, तो आठवें तत्वों के गुण किससे मेल खाते हैं, पहले तत्वों से मेल खाते थे। जैसे संगीत के सुर होते हैं, कौन कौन से, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी, जो आठवां आएगा वो दोबारा क्या आएगा, सा आएगा। जैसे सात सुर होते हैं ना संगीत के, और अंग्रेजी पद्धति के अंदर या पश्चिमी सभ्यता के अंदर संगीत के या म्यूजिक के कितने सुर माने गए हैं, 8। सा रे गा मा पा धा नी, यानी जो आठवां आएगा वो कौन सा आएगा, दोबारा से सा आएगा, या अगली पंक्ति का जो नया सुर आएगा वो कौन सा आएगा, सा आएगा। तो इसके अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रखा गया या लिखा गया, तो आठवें तत्वों के गुण पहले तत्वों के गुण से पूरी तरह से मेल खाते थे, और इसी तरह हमने संगीत के सुरों से इनकी तुलना की। तो इन्होंने जब अपना कार्य शुरू किया 1866 में, क्या बताया, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, 8 का सिद्धांत, वे जो आठवां तत्व आएगा वो पहले तत्वों की तरह उसके क्या होंगे, गुणधर्म समान होंगे, आठवें तत्वों के गुणधर्म पहले तत्वों के से मेल
खाएंगे, जैसे हमारे संगीत शास्त्रीय संगीत में सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि आठवां आएगा वो क्या आएगा, सा आएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी संगीत के अंदर जो पश्चिमी संस्कृति का संगीत है कल्चर, वो क्या है, डो रे मी फा सो लैटी, इस तरह से होता है। तो इसने जब कार्य शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया, जो पहला तत्व था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से शुरू करके और किस पे ख़त्म कर दिया था, थोरियम पे, कहाँ पे, थोरियम। जब इसने कार्य शुरू किया तब कितने तत्वों की जानकारी थी, 56 तत्व, कितने थे, 56 तत्व थे। कुछ इसकी फॉल्ट रह गई, वो मैं अभी बताता हूँ, इसकी फॉल्ट लिमिटेशन को पढ़ेंगे। जैसे न्यू लेंस ने क्या बताया था, अगर हम शुरू करें लिथियम सोडियम पोटासियम, इसका परमाणु का क्रमांक कितना होता है, 3, इसका 11, इसका 19, कितना होता है, 3, 11, 19। अगर दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 4, ये 12 और ये 20, ये क्या था, न्यू लेंस का, यानी कि जो पहला तत्व है उसके गुण इसके बाद आठवें तत्व से मिलेंगे, 3, 8, 11 और फिर 19, 4, 8, 12 और 20, यहाँ तक तो इसने प्रूव कर दिया था, क्या कर दिया था, इसने प्रूव कर दिया था, लेकिन कुछ फॉल्ट रह गए थे, क्या रह गए थे, फॉल्ट, न्यू लेंस के सिद्धांत की कमियाँ, फॉल्ट लिमिटेशन, त्रुटियाँ क्या थी। न्यू लेंस का सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक, इसका सिद्धांत कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक, क्योंकि इसके बाद जैसे हम बोरोन, बोरोन एल्यूमिनियम और जो गैलियम, अगला जो ग्रुप आएगा बोरोन कितना होता है, 5 और ये 13, 8 का गैप तो ठीक है यहाँ पर 8, लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, 21, लेकिन आया कितना, 31, कितना आया, शायद 31 नहीं आएगा, लेकिन 8 का गैप नहीं आता, तो ये पूरी तरह से फैल हो गया, क्या हो गया, फैल हो गया। इसका सिद्धांत कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक, दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कहाँ तक लागू हुआ। और न्यू लेंस ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मिलेंगे, 56। न्यू लेंस ने ये इमेजिन किया था भी जो प्रकृति में केवल कितने एलिमेंट्स हैं, 56 एलिमेंट हैं, और भविष्य में ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद बहुत सारे तत्वों की खोज हुई और वो इसके सिद्धांत के अनुसार पूरी तरह से फिट नहीं बैठते थे। जो तीसरी कमी थी, इसने निकिल और कोबाल्ट को, निकिल और कोबाल्ट को फ्लोरीन क्लोरीन वाले ब्रोमीन ग्रुप के साथ इकट्ठा रख दिया, लेकिन दोनों के गुण धर्मों में बहुत सारी असमानताएं हैं, क्योंकि निकिल और कोबाल्ट तो क्या है, धातुएं हैं, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, अधातुएं हैं, इसलिए ये इस तरह से भी यहाँ पर पूरी तरह से असफल हो गया। लेकिन इसका योगदान तो है, मैं ये नहीं कहूँगा भाई इसका योगदान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी क्या थी, जैसे आयरन, आयरन क्या है, एक मेटल, आयरन से इनको दूर रखा गया, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन को एक साथ रख दिया गया, इसलिए इसकी ये सबसे बड़ी कमी थी। और जो फोर्थ थी, इसी में से बना सकते हैं बे, इसका जो रूल था केवल हल्के या हल्के तत्वों पर ही काम कर सका, या भारी तत्वों पे ये काम नहीं कर सका। दोबारा देखो एक बार रिपीट करता हूँ इसकी कमियाँ, कि ये सिद्धांत कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक। और न्यू लेंस ने मानना था कि कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व या 56 एलिमेंट्स हैं और भविष्य में ऐसा कोई तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट निकल कर आए जो इसके नियम के अनुसार फिट नहीं बैठते थे। और इसने निकिल कोबाल्ट जैसे तत्वों को भी
ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन के साथ रख दिया, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ये दोनों क्या है, धातुएं, वो क्या है, अधातुएं, और इसको आयरन जैसी धातु से इनको दूर रखा गया। ये सिद्धांत पूरी तरह से हल्के तत्वों पर तो काम कर सका, लेकिन भारी तत्वों पर ये रूल पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाया, इसलिए न्यूलैंड्स की ये कुछ फॉल्ट्स थे। क्या थे? फॉल्ट्स थे। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना या मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये कहाँ का वैज्ञानिक था? रूस का, द्वित्री इवानोविच मेंडलीव। जब इसने काम शुरू किया अपना, 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 एलिमेंट वर नॉन या वाज नॉन। तो इसने क्या किया, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में वे तत्वों के जो भौतिक गुण धर्म थे उनके बीच में एक रिलेशन स्थापित किया, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में और तत्वों के जो गुण धर्म थे उनके बीच एक रिलेशनशिप, संबंध स्थापित किया। तो इसने क्या किया, कौन सा तरीका अपनाया कि तत्वों के ऑक्साइड व हाइड्राइड को चुना, क्योंकि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन बहुत ही अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं, तो इन्होंने इनके साथ क्या की, अभिक्रिया स्थापित की, जैसे ऑक्साइड हाइड्राइड। तो क्यों चुना, क्योंकि ये दोनों के दोनों तत्व क्या थे, सक्रिय गैसें थी दोनों, इसलिए जल्दी किसी के भी साथ अभिक्रिया कर लेती थी। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए, क्या लिए, 63 कार्ड लेकर और प्रत्येक पर पिन लगाकर एक दीवार पे चिपका दिया। क्या कर दिया, एक दीवार पे चिपका दिया। समान गुण धर्म वाले तत्वों को भी ये अलग अलग रखता रहा, और इनका जो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का जो नियम था वो पूरी तरह से क्या बैठ गया, स्टिक बैठ गया। तो अधिकांश जो एलिमेंट्स थे 63 के 63, उनको क्या मिल गया, स्थान मिल गया। स्थान मिलने के बाद देखा इसने, जो समान गुण धर्म वाले तत्व थे, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण धर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद क्या आते गए, तो इनका जो रूल था आवर्त सारणी का वो क्या हो गया, स्टिक। इसके अनुसार अधिकांश तत्वों का क्या हो गया, स्थान मिल गया। तो इसने क्या परिभाषा दी, भाई जो तत्व है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो क्या परिभाषा दे दी इसने, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते, या आप लिख दो एलिमेंट्स आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास, और मास नंबर एक ही बात है, यानी कि जो बढ़ते तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण है वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का क्या होते हैं, आवृत फलन होते हैं। एलिमेंट्स आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास और मास नंबर। इस तरह से ये क्या थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसकी उपलब्धियाँ, अचीवमेंट और इसके फॉल्ट। रिमेनिंग वर्क ऑफ दिस लेसन का विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।